हेलो गाइस, आज मैं आपको माइक्रो ओवन का डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, कन्वेक्शन वाला जो ओवन होता है उसका डेमो दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं इसको ऑपरेट करना बता देता हूँ आपको। ये दे रखा है यहाँ पर पॉपकॉर्न मेन्यू बेवर इंटर रिहेड डिफ्रोस्ट टाइमर माइक्रो कन्वेक्शन ग्रिल। ठीक है, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टॉप क्लॉक स्टार्ट। अब होना क्या है ये समझ लीजिए। पॉपकॉर्न अगर बनाने हैं हमें तो पॉपकॉर्न वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट कर देना है। ये यहाँ से स्टार्ट कर, पॉपकॉर्न वाला बटन दबाकर यहाँ से स्टार्ट कर देना है। बस ये स्टार्ट हो गया, 4 मिनट कुछ सेकंड में जो है आपके पॉपकॉर्न तैयार हो जाएंगे। ठीक, अब हम इसे रोक देते हैं, स्टॉप कर दिया हमने। दूसरा आ गया मेन्यू, पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया मेन्यू, मेन्यू को हमने प्रेस किया, ये आ गया A1। अब A1 क्यों आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये डिशेज लिखी हुई है सारी यहाँ पर। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10। ठीक है, ये सारी डिशेज भी लिखी हुई है। अब जैसे ये A9 है, इस पर लिख रहा है सब्जी कड़ी, तो हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे ये देख लीजिए। मेन्यू का बटन हमने दबाया। ठीक, दोबारा फिर प्रेस करेंगे A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। ठीक, फिर हम इसको कर देंगे एंटर। ठीक है, एंटर हो गया, अभी आ गया। अब हमें देखना है कड़ी कौन से पे थी हमारी। कड़ी है हमारी सब्जी कड़ी 1 नंबर पर, तो हम इसको ये अप डाउन के लिए दे रखा है। ठीक है, नंबर हम आगे पीछे कर सकते हैं इससे, 5 4 3 2 1। ठीक है, कड़ी का जो भी सामान रेसिपी होगी हमारी बना के अंदर इसमें हमें रख देना है। इसको डोर को बंद कर देना है, 1 नंबर पे है। फिर हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ये हो गया स्टार्ट, यानी कि 9 मिनट में बनकर कड़ी तैयार हो जाएगी। ठीक, अब ये स्टॉप कर देते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं इसको। दोबारा स्टॉप का बटन दबाते हैं तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये बेवर आ गया, ये एंटर का बटन आ गया। ठीक है, कोई से प्रोग्राम सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं हम। ये रिहेट आ गया, ये डिफ्रोस्ट आ गया आपका, ये टाइमर आ गया आपका, ये माइक्रो आ गया, ये कन्वेक्शन आ गया, ये ग्रिल आ गया। अब कन्वेक्स माइक्रो, ये हमने माइक्रो लगाया, अब यहाँ टाइमिंग लगा सकते हैं हम। ठीक है, हमें लगाना है 2 मिनट कुछ सेकंड, तो हम 2 प्रेस करेंगे, फिर दोबारा प्रेस करेंगे, 22 सेकंड हो गए। ठीक, फिर दोबारा दबाएंगे, 2 मिनट 22 सेकंड हो गए। अब हम ये इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा माइक्रो पे काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसको रोक देते हैं, ये हमने रोक दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक, अभी आ गया हमारा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन को दबाया 120 डिग्री, यानी कि हमें जैसे पिज़्ज़ा वगैरह बनाना है तो करना क्या, हमें कन्वेक्शन को दबाया 120, 140, 160, 180, 120। तो होगा क्या, पहले हम इसको कन्वेक्शन को 120 टेम्परेचर पर लगाएंगे, ऑटोमेटिकली सेट है इसमें। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा स्टार्ट। तो अब क्या है, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री जाएगा। ठीक है, जब तक इसका टेम्परेचर पूरा होगा अंदर का, जब तक हम जो है अपना पिज़्ज़ा का जो भी सामान है, रेसिपी है, सब रेडी करके इस वाले तवे में, ये तवा आता है ओवन के साथ, इसमें हम रख लेंगे। ठीक, जब ये टाइम पूरा हो जाएगा आपका, तो तब हमें ये डोर खोलना है और हाथों में हमारे ग्लव्स होने ज़रूरी हैं। ठीक है, ये मैंने रोक दिया अभी, हाथों में हमारे ग्लव्स होने ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। ग्लव्स डालो हाथों में, पहन कर ग्लव्स, फिर ये तवा रख दो और इसको बंद कर दो, फिर स्टार्ट कर, मतलब टाइमिंग लगा दो यहाँ से ना, कितनी 5 मिनट लगानी है, 6 मिनट लगानी है, 8 मिनट लगानी है, 9 मिनट लगानी है, ये सारी टाइमिंग दे रखी है। टाइमिंग लगा के फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो, स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा पिज़्ज़े का काम। अब आ जाता है हमारा ग्रिल, ये एरिया ग्रिल, ग्रिल को प्रेस करना है। ये आ गया ग्रिल, ग्रिल 1, ग्रिल 2, ग्रिल 1। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, हमने इसमें भी इसको एंटर कर देना है। एंटर नहीं हो रहा है, इसमें टाइमिंग लगा देनी है हमें, ये स्टार्ट करके देख लेना है पहले, नहीं हो रहा तो हमें इसमें लगवा देनी है 1 मिनट कुछ सेकंड।
ये लग गया ठीक। अब हमें इसको स्टार्ट कर देना है, ये स्टार्ट हो गया ठीक, तो ये ग्रिल पे काम कर जाएगा हमारा। जैसे कुछ चीज़ हमें रोस्ट करनी हो, जैसे ब्रेड सेकने हो या चिकन टिक्का वगैरह, ये सब चीज़ें रहती हैं, इस तरीके इसको हम रोस्ट कर सकते हैं। ये स्टोव का बटन हो गया, ये क्लॉक हो गया टाइम का, ये स्टार्ट का हो गया ठीक है। बाकी और ये सब है इसमें, ये ओवन है हमारा। बाकी हमें कस्टमर के यहाँ आए हुए हैं, ये पाजी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्हें हमने समझाई दिया है ठीक है। पाजी समझ में आया? हाँ जी, सही है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।